ट्राई करने वाले हैं पिज्जा एंड देखते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज साक्षी दंजल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोगों ने मुझे मिस करा होगा, एक हफ्ता हो चुका है मुझे आए हुए और मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं जा रही हूँ भाई के साथ आज लोकल एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल थिंग। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा रेस्टोरेंट इज नॉट अ राइट वर्ड, हिप्पीज कैफे, एक्चुअली हिप्पी कैफे। अगर आप फूड सर्च कर रहे हो कसोल में और सस्ता, और आप अगर पैदल थोड़ा सा चल सकते हो, एंड यू नो आई नॉट से सस्ता ऑल्सो बट इन बजट। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? इन बजट। तो अगर आप अपना पॉकेट फ्रेंडली फ्रूट सर्च कर रहे हो और आपको A1 खाना खाना, मतलब ऑसम उस दिन खाने का मन है, सो दिस इज लाइक कसोल में एक ऐसा कैफे है जहाँ पे आप जा सकते हो। आई नो मैं बहुत महंगे महंगे कैफे शेयर करती हूँ, मेरे को रिव्यूज में आता है, सो आई एम गोना शेयर अ वेरी काइंड ऑफ हिप्पीज कैफे विद यू पीपल, जहाँ पे पूरा हिप्पी माहौल है। मारो मत फूंक सकते हो, ऐसा मत पूछना, ठीक है? ऐसा नहीं पूछना, कट। सो एग्जैक्टली वहाँ पे बहुत कुछ है, एंड सबसे अच्छी चीज कि वो ना बिल्कुल एक गार्डन एरिया के बीचों बीच है और उसकी एंट्रेंस तो इतनी प्यारी है ना, एंड लेट मी शेयर विद द व्यू, आई मीन लेट मी शेयर विद यू द व्लॉग ऑफ दिस हिप्पी कैफे जिसका नाम अभी आपको पता चल जाएगा। हम जिम हॉरिजन के रास्ते पर हैं और ये हमारा सेकंड रेस्टोरेंट है आज का, सो विल शेयर द रिव्यू अबाउट इट। तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट 4 प्लेसेस जो यहाँ के फेमस कैफेज में से एक है। लेट्स गो। हाँ मैं शूज नहीं पहने ना जिसने। बाई गॉड, अगर आप जिम हॉरिजन आ रहे हो ना तो आपको इसके लिए एटलीस्ट चढ़ाई करनी है 500 मीटर की, सो प्रिपेयर होकर आना। फिलहाल मैंने तो ट्रैक बूट्स डाल रखे हैं, मुझे पता था शिवानी के साथ मैं घूमती बहुत हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ शिवानी बाटा की चप्पलों में और मैं ट्रैक बूट्स में, नहीं तो वो बूट्स पहनती थी और मैं चप्पलें। कमेंट करके बताओ यार गाइस, आप कौन कौन सा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर चुके हो कसोल में, क्योंकि मैं कल एक दिन और हूँ, कुछ ऐसी प्लेस जो मुझे एक्सप्लोर करनी आप चाहो तो आई कैन। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ जिम मॉरिस्ट, मेरी आज की सेकेंड रेस्टोरेंट। इट टोक मे लाइक यू नो 15-20 मिनट्स, हम रास्ता ही नहीं मिला क्योंकि ऊपर की तरफ था, बट यू कैन आस्क, नीचे लोग बता देंगे अगर आप आ रहे हो तो। गाइस सबसे पहले एक्साइटेड रहती है हमारी शिवानी दी मैडम फूड के लिए, सबसे ज़्यादा सर्व भी यही करती है। शिवानी हम ब्रिटिश और तो घर पे भी सर्व करती होगी जो घर पे रहती होगी। नहीं अरे वाह, तो आपके टीम में अगर आप ट्रैवल करते हो अगर अपने फ्रेंड के साथ तो कौन क्या क्या? बचपन से वेटर बनाया हुआ मैंने कहीं बचपन से वेटर बनाया हुआ घर वालों ने, सो मुझे अपने ग्रुप में कमेंट करके ट्राई करने वाले हैं पिज्जा एंड देखते हैं पिज्जा में पिज्जा कैसा रहेगा यहाँ का। एंड सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारी शिवानी, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सो हम गए थे ये हिप्पी टाइप कैफे जिसका नाम क्या था? जिम मॉरिसन। और उसका फूड लिटरली बहुत लाजवाब था, हम लोगों ने पिज्जा ट्राई किया है और शिवानी पिज्जा को खाने के बाद आपको पता चल गया वो यही ध्यान से देखो ये वीडियो को, ये शिवानी है हमारी। हाँ सो यार ये घर कितना सुंदर है किसी का, वो पीछे जिम मॉरिसन घर चेक करो यार शिवानी, हम वीडियो बहुत सेक्सी आएगी यार, इसी जगह बहुत ही खूबसूरत है ना। अगर आप, मैं तो ऐसे कसोल बहुत आ चुकी हूँ और मुझे लग रहा है मुझे गिम्बल की कैलिब्रेशंस बहुत सीरियस नोट पे करनी पड़ेगी, मैं इसका ध्यान रखना कम कर चुकी हूँ गिम्बल का, कभी मुझे ऐसा फील होता है। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आपको इसका पिज्ज़ा पसंद आएगा, खुद जाके देखना बिकॉज ये एक रैंडम वीडियो थी एंड आई एम गेटिंग बैक टू यूट्यूब वीडियोज़ रियली सून। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।